ज्ञान यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाभारत काल से जुड़े साक्ष्यों को आप तक पहुंचाने के लिए हम निकले हैं हस्तिनापुर की यात्रा पर। ब्रेक से पहले हमने आपको करवाए पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के दर्शन। आइए अब चलते हैं सूर्यकुंडी पर्वत पर स्थित पांडव कालीन के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर की यात्रा पर, जहां धर्म युद्ध में जाने से पहले श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने किए थे देवी मां के दर्शन। धर्म ग्रंथों के अनुसार दिल्ली को ही द्वापर युग में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग के इसी इंद्रप्रस्थ में विराजमान है सभी मन्नतों को पूर्ण करने वाली मां कालका। दिल्ली के अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकुंडी पर्वत पर मौजूद है सिद्धपीठ कालका मैया का सच्चा दरबार, जहां मां की आराधना में चारों पहर होता है जगराता और मंदिर में हर वक्त लगा रहता है मां के भक्तों का तांता। अद्भुत है इस मंदिर में माता का स्वरूप, और इससे भी अनोखी है चाह से जुड़ी मान्यता। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने महाभारत युद्ध के समय किया था। पांडव भगवान कृष्ण के साथ यहाँ आए थे और मां की पूजा अर्चना की थी। कालका मैया के सिद्धपीठ स्थान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। कहते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में आसुरी आतंक फैला हुआ था, तब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और असुरों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मां भक्ति ने उनको आदेश दिया कि तुम रक्त बीज नामक इस महाप्राकृतिक असुर का वध करो, और इसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर न गिरने पाई। इतना सुनते ही भगवती कालिका ने रक्त बीज का शीश धड़ से अलग कर उन्होंने उसके रक्त को पूरा का पूरा रक्त जो है वो पान कर गई। मान्यता के मुताबिक जब महाभारत युद्ध का बिगुल बजा, तब कौरवों की विशाल सेना को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डर गए कि मुट्ठी भर पांडव कौरवों की इस विशाल सेना का सामना करेंगे। तब पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित अरावली श्रृंखला के सूर्यकुंडी पर्वत पर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए, क्योंकि कौरवों की सेना बहुत विशाल थी, बहुत पराक्रमी शूर वीर उसमें भी थे। तो उनको मन में ये भाव आया कि भगवती की पूजा अर्चना करके उसका आशीर्वाद लेकर अगर वो युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चय ही उनकी विजय होगी। इसी भावना के साथ कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने यहाँ भगवती का पूजन अर्चन किया था, और माँ ने प्रसन्न होकर उनको युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया था। पांडवकालीन माँ कालका मुरादें पूरी करने वाली माँ मानी जाती हैं, जो अपने सच्चे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और अपने बच्चों पर हर वक्त अपनी ममता का स्नेह बरसाती हैं। कालका मैया का ये सिद्धपीठ मंदिर न सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए सिद्ध है, बल्कि ये मंदिर वास्तु साधना की दृष्टि से भी अतुलनीय और अनुपम है। तो ये पीठ हर दृष्टि से विलक्षण है, वास्तु की दृष्टि से, तंत्र की साधना की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से। तीनों पद्धतियों से भगवती की पूजा अर्चना की जाती है, और माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पांडवकालीन माँ कालका मुरादें पूरी करने वाली माँ मानी जाती है, जो अपने सच्चे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, और करुणामयी कालका मैया बिना किसी भेदभाव के अपने सच्चे भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं। आप भी कीजिए महाभारत कालीन इस पवित्र मंदिर के दर्शन, और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए धर्म यात्रा पर। धर्म यात्रा में आप दर्शन कर रहे हैं महाभारत कालीन साक्ष्यों के। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे पांडव कालीन के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर, जो है महाभारत का काल का साक्षात प्रमाण। आप देखते रहिए धर्म यात्रा। ना जन्म कुंडली की जरूरत, ना ही जन्म तारीख का इंतजार। मैं बताऊंगा आपका भविष्य, सिर्फ सुनकर आपका सवाल, आपके प्रश्न में छुपा है आपका भविष्य। जानिए मुझसे कालचक्र, रोज सुबह 11 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धर्म यात्रा में। आइए आपको ले चलते हैं पांडव कालीन के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो है महाभारत काल का साक्षात प्रमाण। भक्ति रस में डूबे हैं सब, कहीं मृदंग बज रहे हैं, कहीं ढोलक की थाप से मन झंकृत हो रहा है, तो मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि फिजा में परमानंद का अनुभव करा रही है। हर तरफ आस्था और भक्ति में लीन भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मन मंदिर को अपनी अनन्य भक्ति से शीतलता प्रदान करने वाला ये अद्भुत नजारा है हरियाणा के गुड़गांव में स्थित शीतला माता मंदिर का। कहते हैं शीतला माता का ये मंदिर पूरी दुनिया में अनोखा है। मान्यताओं के मुताबिक देवी ने अपनी ममता की छांव की शीतलता से कौरवों और पांडवों का उद्धार किया था, जिसके बाद से ही वो शीतला नाम से प्रसिद्ध हो गईं। शीतला माता मंदिर में शीतला नाम से प्रसिद्ध शीतला देवी पांडवों और कौरवों की गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हैं, जिनकी ममतामयी मनोहारी छवि अष्ट धातु की प्रतिमा के रूप में आज भी यहाँ मौजूद है। कहते हैं कौरवों और पांडवों की शस्त्र शिक्षा के समय इनके लालन पालन की जिम्मेदारी माता कृपि पर ही थी और उन्होंने निस्वार्थ भाव से दीक्षा के दौरान कौरवों और पांडवों पर अपनी ममता लुटाई। शीतला माता जी का ये मंदिर महाभारत काल के बाद का जाना जाता है और मैं समझता हूँ लगभग हजारों साल पुराना ये मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य जी की कर्मस्थली पावन स्थली रही है। गुरु द्रोणाचार्य जी की अर्धांगनी धर्मपत्नी कृपि माता जी जो थी वो यहाँ पर सस शरीर विलीन हो गई थी, यहाँ पे इस जगह। कहते हैं माता कृपि जिस जगह धरती में समाई थी वहाँ एक तालाब बन गया था, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। कहते हैं देवी के मंदिर की स्थापना सिंघा भगत नाम के ब्राह्मण ने की थी, जिसे देवी कृपि ने सपने में दर्शन दिया था और आदेश दिया था कि तालाब में मेरे पिंडी स्वरूप को निकालकर जग कल्याण के लिए मेरे मंदिर की स्थापना करो। या देवी सर्वभूतेषु। तालाब के अंदर माता जी की पिंडी है। लोगों की सहायता के द्वारा उसने जो आंखों में ज्योति मिलने के बाद वो तालाब की पिंडी प्राप्त की और उसको यहाँ पर उस समय जैसी व्यवस्था थी वहाँ पर यहाँ पर स्थापित करवाया इस स्थान के अंदर। शीतला माता का ये मंदिर काफी सिद्ध और मनोकामना प्रदान करने वाला माना जाता है। कहते हैं ममतामयी माता कृपि की कृपा से संतान सुख के साथ साथ दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। महाभारत कालीन साक्ष्यों को आप तक पहुंचाने के लिए ये थी हमारी धर्म यात्रा। ईश्वर से जुड़ी निशानियों और तथ्यों को सामने लाने के लिए हमारी धर्म यात्रा अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धर्म यात्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।